खोजी टीवी के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पिछले चंद रोज से एक अमरीकी खातून ने पाकिस्तानी सियासत में एक तूफान बरपा कर रखा है। अमरीकी शहरी संथ्यारची कौन है? इसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रचाई है? क्या संथ्यारची अमरीका का मोहरा है जिसे 10 साल कबल लॉन्च किया गया था? और जिनसी हिरासगी की खबरें इतने सालों बाद क्यों मंजरेआम पर आ रही हैं? क्या ये खातून अमरीकी हरीम शाह है? और इमरान खान साहब के हवाले से इस खातून ने किस किस्म की वीडियो लीक करने का इशारा दिया है? आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पाकिस्तानी सियासतदानों और कौम के चंद तल्ख हकायक रखने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सुनने और समझने के बाद आपको इस खातून की असलियत मालूम हो सकेगी। तहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, हम पाकिस्तानी भी बहुत सादा लोग कौम वाके हुए हैं। जब भी किसी गोरे ने पाकिस्तान आकर कौमी लिबास में पाकिस्तानी परचम के साथ तस्वीर बनाई और पाकिस्तान के बारे में तारीफाना जुमले अदा किए, तो हम उसे पाकिस्तान का दोस्त और जबरदस्त खैर ख्वाह तसव्वुर करने लगते हैं और इसके लिए आंखें बिछा देते हैं। कुछ ऐसा ही अमरीकी शहरी संथ्यारची के साथ हुआ। जब 10 साल कबल वो पाकिस्तान आई, तो उन्होंने शलवार कमीज में मलबूस पिशावर में साइकिल चलाते, कभी नक्शो निगार से आरास्ता ट्रक के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और पाकिस्तान के बारे में तारीफी कलमात अदा किए, तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने उसके इस जज्बे को सराहा कि संथ्यारची पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मस्बत अंदाज में पेश कर रही है। और इस तरह संथ्यारची पाकिस्तान में अपना एक ऐसा इमेज पैदा करने में कामयाब रही कि एक अमरीकी औरत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान का तशखुस अमरीका में उजागर कर रही है। देखते ही देखते संथ्यारची ने पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी की हैसियत इख्तियार कर ली और उसकी रसाई ऐवान सदर, वजीर आजम, वुजरा, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स तक हो गई, और ये अफराद संथ्यारची से मिलने और तस्वीर बनवाने में फख्र महसूस करने लगे। और इस्लामाबाद की कोई बड़ी पार्टी संथ्यारची के बगैर नामुकम्मल तसव्वुर की जाने लगी। जहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अहम शख्सियात भी मधु होती थी, जबकि संथ्यारची हुकूमती फंक्शंस और पार्लियामेंट के इजलास में भी मधु की जाती थी। मुअज्जिज़ दोस्तों, संथ्यारची को मधु करने वाली शख्सियात ने कभी यह नहीं सोचा कि इसका माजी क्या है। क्या उसने कभी अमरीका में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई किरदार अदा किया है? और कभी उनके वहमो गुमान में भी नहीं आया कि कहीं उसे किसी खास मकसद के लिए पाकिस्तान तो नहीं भेजा गया। संथ्यारची नामी ये अमरीकी ब्लॉगर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2011 में पाकिस्तान के विजिट पर आई और इसे पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने का सहरा मौजूदा हुकूमत में वफाकी वजीर आजम सवाती को जाता है, जिनका माजी में अमरीका से गहरा ताल्लुक रहा है, जिसके बाद से वो तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान में मुकीम है और 2 अमरीकी पासपोर्ट्स पर 52 मरतबा पाकिस्तान और अमरीका का सफर कर चुकी है। संथ्यारची इस्लामाबाद के पोश इलाके 7E में रिहायश पजीर रही, जिसके पड़ोस में एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी रिहायश पजीर थे। संथ्यारची का गुजर औकात और अखराजात किस तरह पूरे होते थे, ये एक सवालिया निशान है। तहम ये बात काबिले जिक्र है कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन के बाद, जब पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ जज्बात अपने उरूज पर थे और पाकिस्तानी एजेंसियां सिक्योरिटी मामलात पर बहुत हसास थीं, ऐसे वक्त में संथ्यारची ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधकर हुकूमती हलकों में अपनी जगह बनाई। एक नुक्ता यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह अमरीका की इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने की कोई नई चाल थी। दुनिया में इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं जहां खूबसूरत लड़कियों को इंटेलिजेंस मालूमात के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें इसराइल सरे फहरिस्त है। नाज़रीन ग्रामी, खुद को ब्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर कहलाने वाली अमरीकी शहरी संथ्यारची आजकल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तनाजात की जद में है और उनके ट्वीट और वीडियोस का हदफ पीपल्स पार्टी और उसकी आला क्यादत है, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक विफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर जिंसी ज्यादती जैसे इल्जाम आयद किए। ताहम यूसुफ रजा गिलानी, रहमान मलिक और पीपल्स पार्टी की आला क्यादत ने संथ्यारची के इन इल्जामात की सख्ती से तर्दीद करते हुए अदालत से रुजू किया है। पीपी क्यादत का यह भी कहना है कि संथ्यारची कुछ लोगों के हाथों में खेल रही है और इन इल्जामात का मकसद
पीपल्स पार्टी और उसकी क्यादत को बदनाम करना है। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी क्यादत पर संथियारची के इल्जामात से लुत्फंदोज हो रहा है और उन्हें शह सुर्खियों के साथ शाया करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। हाल ही में भारतीय और खलीजी मीडिया ने संथियारची के करीबी साथी अली सलीम उर्फ बेगम नवाजिश अली से मंसूब ये खबर शाया की कि संथियारची ने बेगम नवाजिश अली को एक मुलाकात में ये बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनमें दिलचस्पी रखते थे और दोस्ती के खाहां थे। संथियारची के हालिया इंकिशाफ के बाद पाकिस्तान का मीडिया उसे हीरोइन बनाकर पेश कर रहा है और वाके से मुतल्लिक जाती नोयत के सवाल करके अपनी रेटिंग में इजाफा कर रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो अमरीकी खातून जिसके बारे में ये फख्रिया कहा जाता था कि वो पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मस्बत अंदाज में पेश कर रही है, आज वही दुनिया भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासतदानों की बदनामी और तजहीक का सबब बन रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमरीकी खातून की जानिब से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के खिलाफ जिंसी हिरासगी और ज्यादती के इल्जामात 9 साल पुराने हैं और अमरीकी खातून संथियारची की इस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। मीडिया पर अमरीकी खातून के इंटरव्यूज नशर करने का एक मुकाबला शुरू हो गया है। मजकूरा खातून ने अपनी पिटारी से मजीद जहरीले सांप निकालने का ऐलान करके पाकिस्तानी मुआशरे में कातिल वबाई मर्ज के बाद सबसे ज्यादा तबादला ख्याल की जाने वाली खबर की हैसियत इख्तियार कर ली है। इस तरह की शिकायत का माजी में रिकॉर्ड कोई इतना हौसला अफजा नहीं, मगर प्रिंट मीडिया इस खबर को उछाल कर मजीद अहमियत देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को ऐसे प्रोग्राम्स पेश करने से कबल 1000 मरतबा ये सोच लेना चाहिए कि रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में वो इस्लामी मुआशरे की तबाही और बर्बादी का सबब भी बन रहे हैं। इस तरह का मगरबी कल्चर खतरनाक रुझानात को जन्म दे सकता है। यही नहीं, अगर मुतासरा फरीक अपना बयान वापस ले या मामला अदालत तक चला जाए तो टीवी पर उसके इंटरव्यूज दोनों सूरतों में इंसाफ के अमल को मुतासिर करने का बायस बन सकते हैं। संथियारची नामी खातून का स्कैंडल इतना सीधा नहीं है जितना उसे पाकिस्तान में समझा जा रहा है। चंद रियासती इदारे पसे पर्दा पाकिस्तान के कौमी लीडरों की गर्दनें गैर मुल्की एजेंडे के तहत जबा करा रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस मामले को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को भी संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त संथियारची की तोपों का रुख उनकी जानिब हो सकता है और वो इस जानिब इशारा भी कर चुकी है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक साहब ने स्टेप लेते हुए इस अमरीकी खातून के खिलाफ हरजाने का नोटिस भिजवा दिया है। उनका मौकफ यह है कि तमाम तर इल्जामात मनघड़त हैं। रहमान मलिक कहते हैं कि अमरीकी खातून को उसके झूठ के पलंदे के साथ इंसाफ के कटहरे में लाऊंगा। संथियारची के लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है, सख्ती से तरदीद करता हूं। संथियारची ने टीवी प्रोग्रामों में नाजेबा और बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। नाज़रीन-ए-ग्रामी, रहमान मलिक साहब ने 50-50 अरब रुपए के 2 नोट्स अमरीकी ब्लागर को भेजे। एक और अहम नुक्ते की जानिब इशारा करते हुए रहमान मलिक साहब ने कहा कि संथियारची से कोई जाती झगड़ा नहीं है, वो एक दोस्त मुल्क की शहरी है। बेनजीर भुट्टो शहीद और मेरी किरदार कशी के पीछे कौन से अनासिर हैं, मैं वक्त आने पर बेनकाब करूंगा। शहीद बेनजीर भुट्टो की तकरीम की लड़ाई है जो पूरी कौम की कायद है। बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाजेबा इल्जामात पर बतौर चेयरमैन सैनेट कायमा कमेटी दाखला नोटिस लिया था। नोटिस के रद्द अमल में मुझ पर नाजेबा, मनघड़त और झूठे इल्जामात लगाए गए। बतौर कमेटी चेयरमैन सख्त इकदामात लेने पर मेरी किरदार कशी शुरू की गई। बल्कि दूसरी जानिब सईद गनी ने कहा कि काश वजीर आजम जो बातें आज कह रहे हैं वो 2 माह पहले कहते तो अच्छा होता। मोहलिक मर्ज और पेट्रोल इशू है, मगर नॉन इशू यानी संथियारची पर बात की जाती है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि संथियारची के जरिए मुल्क के बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। संथियारची नॉन इशू है, लेकिन अब इसे इशू बनाया जा रहा है। अमरीकी खातून एक सियासी जमात पर संगीन इल्जामात लगा रही है। अमरीकी खातून दीगर लोगों को भी नाम लेने की धमकी दे रही है और अगर इस खातून को ना रोका तो कल ये किसी इदारे के खिलाफ भी बात करेगी। अमरीका के रिकॉर्ड में संथियारची नामी कोई खातून नहीं है। संथियारची के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। संथियारची को आज ना रोका गया और झूठा साबित ना किया गया तो यह किसी को नहीं छोड़ेगी। प्यारे दोस्तों, सवाल यह भी है कि संथियारची के इल्जामात में कितनी हकीकत है। इसका फैसला सोशल मीडिया की बजाय अदालत पर छोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इन इल्जामात से बढ़कर यह बात परेशान कुन है कि संथियारची जो तवील अरसे से इस्लामाबाद में मुकीम है,
कि रसाई किस तरह ऐवान सदर, वजीर आजम, वुजरा और आम शख्सियात तक मुमकिन हुई। संथ्यारची का यह भी दावा है कि आज भी उसे मौजूदा हुकूमत के वुजरा और आला शख्सियात तक रसाई हासिल है। ये बात तय है कि संथ्यारची के लगाए गए इल्जाम की नोयत इंतहाई संगीन है और इल्जाम उन लोगों पर लगाए गए हैं जो अहम अहदों पर फायज थे और मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। देखना यह है कि कहीं इन ताल्लुकात की आड़ में पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता तो नहीं किया गया, या फिर यह भी एक अमरीकी मोहरा ही है जिसे अमरीका गुज़श्ता 10 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आप काफी अपडेट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।